जय श्री राम। सभी भक्तों को जय बालाज महाराज, जय बागेश्वर सरकार। भक्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि सपने में शिव जी से जुड़े या संकेत दिखते हैं तो समझ जाइए कि आपकी किस्मत बदलने वाली है। भक्तों, अक्सर हम रात को सोते समय सपने देखते हैं। हम जो ज़्यादातर लोग सपने में वही देखते हैं जो असल में हमारे जीवन में हो रहा होता है, या हम क्या सोच रहे थे। इसी तरह अगर आप सपने में कोई मंदिर या कोई देवता देखते हैं तो इसके बीच में शुभ या अशुभ कारण है। आपको बता दें कि स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में बताए हैं कि ऐसे में अगर आप सपने में कोई देवता को देखते हैं तो इससे उसकी अलग से अलग अस्तु होते हैं। भक्तों, नंबर एक पर आता है सपने में भगवान शिव को देखना। यदि सपने में भगवान शिव को देखा है तो यह स्पष्ट होता है कि आपके जीवन में परेशानियाँ बहुत जल्द दूर होने वाली है। इसके साथ ही अगर आप सपने में शिवलिंग को देखते हैं या फिर अपना सपना भी बहुत शुभ माना जाता है और सपना प्रतिगत सिद्धि प्राप्ति का संकेत माना जाता है। भक्तों, सपने में शिवलिंग को देखना, यह सपना भी पिछले जन्म की पूजा से आता है और भगवान शिव को देखने की इच्छा रखता है। ध्यान में शिव को बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। शिवलिंग का सपना देखने का मतलब जीत, परेशानी और समस्याओं का नाश, धन और धन से लाभ मिलने वाला है का सपना पूरा होने का संकेत है या अपने समय के अनुपूर्ण आने हैं। यह न केवल हमारे अंदर जीवन की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि यह हमारे शरीर और व्यक्ति को बनाता है। बिल्कुल इसके आधार पर सृजन की नारी शक्ति होती है। सपने में शिवलिंग पार्वती को एक साथ देखना। यदि आप शिव और पार्वती को एक साथ देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके दरवाजे पर नए अवसर हैं। जल्द ही आपको लाभ, यात्रा, अन्य और खाद्यान्न प्राप्त करने हैं। धन और भौभाग्य के समाचार सुनने की मिलेगी। शिव जी और पार्वती के साथ एक देखना बहुत शुभ माना जाता है। भक्तों, शिव जी के चंद्रमा के बारे में सपना देखना शिव का दृढ़कार अज्ञान और प्रतीक है। यदि आप चंद्रमा का सपना देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपको जीवन में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। इस सपने का संबंध आपके शिक्षक क्षेत्र से भी हो सकता है। भक्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।